महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के भैरवगढ़ में खेड़ापति हनुमान के पास लुम्पेश्वर महादेव 84 महादेवों में 41वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कल्लेच देश में लुम्प नामक राजा और उसकी विशाला नामक रानी थी। उसको कुछ ब्राह्मणों ने सलाह दी कि वह सामग नाम आश्रमवासी ब्राह्मण से युद्ध करे। तब लुम्प राजा मलेच, तुषार, बर्बर आदि दस्यु लोगों को लेकर सागम ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मुनि ने उसकी आवभगत की। राजा ने उस मुनि से उसकी होमधेनु मांगी। मुनि के मना करने पर राजा ने उसके आश्रम को उजाड़ दिया और उसे मार डाला। फिर वह अपनी राजधानी को लौट आया। उसके बाद मुनि का पुत्र वन से लौटा। उसने पिता को मृत देख बहुत विलाप किया, फिर पिता की उत्तर क्रिया की। पिता के मारने वालों को शाप दिया कि उसे कोड हो जाए। शाप से लुम्पाधिप को एक कोड हो गया। उससे पीड़ित होकर राजा ने जल मरने की तैयारी की। इसी बीच नारद जी ने उन्हें ब्रह्म शाप की बात बतलाई। राजा के द्वारा कोड से मुक्ति का उपाय पूछने पर नारद जी ने बतलाया कि महाकाल वन में केशव पारक के पूर्व में एक लिंग है, उसके पूजन से तुम्हारा कोड दूर हो जाएगा। तब राजा अपनी रानी सहित इस लिंग के पास आए। शिप्रा स्नान और उसके दर्शन मात्र से उनका कोड दूर हो गया। उनकी ब्रह्म हत्या भी दूर हो गई। राजा ने वहां के तपस्वियों को एकत्र कर उनका सत्कार किया। लुम्पाधिप के द्वारा पूजित होने से यह लिंग लुम्पेश्वर कहलाया। लुम्पेश्वर के दर्शन से 7 जन्म के पाप दूर होते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।